हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो केमिकल कानेटिक्स का अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स जल्दी से आ जाइए फिर बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है स्टार्ट करना है चलिए ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ठीक है गुड <णागते> मॉर्निंग बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बढ़िया छः अब देखिए क्या है अपने को को चीजों अच्छे समझना है क्योंकि आज जो पढ़ाऊंगा और जो कल पढ़ाऊंगा तो वो आपका टेस्ट में आएगा मतलब मैक्सिमम आप एक चीज समझिए कि तो आपको एक तरीके से इनडायरेक्टली टेस्ट का सिलेबस बता दे रहा हूँ कि कल तक आपका नाइनटी नाइन परसेंट सिलेबस टेस्ट का खत्म हो जाएगा जो टेस्ट में आने वाला है ठीक है अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज सारे स्टूडेंट्स आ जाए स्टडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो जहां से पिछले टर्न पर टॉपिक खत्म किया था आज वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आ जाते हैं और मैं यहाँ से आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो प्लीज आज पेन और पेपर लेकर बैठिए क्योंकि मेरे साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन करना होगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाए और बाकायदा टेबल और चेयर को यूज करें और वहां पे जो आगे मैं बताऊं क्योंकि जब तक आप खुद डेराइव नहीं करोगे ना आप सिर्फ सुनोगे जैसे जीरो ऑर्डर के समय कुछ बच्चे सुन रहे थे तो वो मुझसे पूछ रहे थे सर आई क्या है जबकि वो जा, जानते हैं कि आई इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है तो आज पेन पेपर लेके बैठ लीजिए क्योंकि आप ये समझिए कि एक्सरसाइज टू में जो आप डोमिनेटिंग न्यूमेरिकल देखेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल

क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन को देखकर उसका ऑर्डर पता नहीं किया जा सकता ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो हमने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया के ए की पावर वन ए की पावर वन क्यों हुआ क्योंकि यहां पर फर्स्ट ऑर्डर हमने एज्यूम किया है अब आप बताइए इसी जगह मैं ग्राफ की अब बात करूंगा क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली आज तक ऑब्जर्व किया है कि जब एग्जाम कहीं ना कहीं नोम नहीं पूछते हैं किसी टॉपिक से तो उसका ग्राफ पूछ लेते हैं तो जरा बताइए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ यहां पे बना हुआ है जीरो ऑर्डर के केस में यदि मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर के केस में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कुछ ये था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कुछ ये था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनडिपेंडेंट तो जब इनडिपेंडेंट हो जाएगा तो वो जीरो ऑर्डर था लेकिन यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट है तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन तो आप बताइए एक्सिस पर ये एक्सिस पे कंसंट्रेशन तो वाई एक्सिस पर ये तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से यदि मैं बात करता हूं तो जो स्लोप है एम बताओ बेटा किसके बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट के, के, के बराबर हो जाएगा और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा जीरो इंटरसेप्ट हो गया जीरो तो जरा बताओ नाइन्थ टेंथ की बात पूछ रहा हूँ कि यदि इंटरसेप्ट बेटा जीरो है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन किससे पास होती है ओरिजिन ठीक है अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं ये भी पिछले टर्न पे लास्ट में बात की थी तो ध्यान से आज पेन पेपर लेकर बैठिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का टर्न है आज जो आप सीखोगे उसके मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेटा कल होंगे तो कल तक आपका आप ये मान के चलिए 99 परसेंट सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा अब एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल की बात कर रहा हूं एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नहीं रटने एक दो जो जरूरी फेमस होते हैं उनको जरूर आप याद रखिएगा और जैसे ही आप न्यूमेरिकल करोगे चैप्टर पढ़ोगे तो वो परमानेंट मेमोरी में, में चले जाएंगे तो पांच पांच छह छह पाँच आपको फर्स्ट ऑर्डर के याद करने की जरूरत नहीं है एन टू ओ फाइव को जब हम डिकम्पोज करते हैं थर्मली तो एनओ टू और फर्स्ट ऑर्डर है एन एच फोर एन ओ टू अमोनियम नाइट्राइड को जब हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस अमोनियम नाइट्राइड है अमोनियम नाइट्राइड नहीं अमोनियम नाइट्राइड को जब हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन और वाटर यहां पर बनता है तीसरी आती है, ये आपको ध्यान रखना है हाइड्रोलिस मीडियम ये H+ प्लस की जो प्रेजेंस है वो क्या बता रहा है एसिडिक मीडियम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत फेमस रिएक्शन है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे आपको पढ़ाई जाएगी तो वहां पर आप ये रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये थर्ड वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो हाइड्रोजन को यदि हम थर्मली परिकम्पोज कराएं वर्ड सुनिएगा थर्मली यदि हम डिकम्पोज कराते हैं तो वो फिर फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है और लास्ट में आ गया ऑल रेडियो एक्टिव ये एक याद रखना है ऑल रेडियो एक्टिव अब बेटा एज अ रिवीजन आपसे एक बात पूछता हूं यदि आप सिंसियरली पढ़ते हो अपने एम बी बी एस करना नीट क्वालिफाई करने के लिए सिंसियर हो तो नो no डाउट आप चीजें अच्छे से पढ़ते हो तो जब जीरो ऑर्डर में पढ़ा रहा था तो उस दौरान आपको एक चीज बोली थी तो यदि मैं उसको यहाँ पर लिखू तो वहां पर एक हाई प्रेशर पे बात हुई थी और एक लो प्रेशर पे बात हुई थी तो हाई प्रेशर पर किसी गैस का मेटेलिक सरफेस पे जो डिकम्पोजिशन था वो क्या था जीरो ऑर्डर लेकिन वहीं मैंने आपको बताया था कि लो प्रेशर पे किस पर लो प्रेशर पे एट लो प्रेशर डिकम्पोजिशन ऑफ गैस लाइक अमोनिया और पीएच थ्री ऑन मेटेलिक सरफेस लाइक प्लेटिनम फॉलो फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स तो जो यहां पे रेट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ गैस क्योंकि यदि आप उस बात को कनेक्ट कर पाओ जीरो ऑर्डर के साथ तो मैंने कहा था कि हाई प्रेशर पे तो सरफेस क्या हो जाती है सेचुरेट तो कंसंट्रेशन पे 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 लो प्रेशर क्या करेगी डिपेंड क्योंकि ये सरफेस एरिया से रिलेटेड है सरफेस एरिया तो उस समय सरफेस एरिया पूरी तरह से सेचुरेट नहीं हुआ होगा तो ये एग्जाम्पल और आप अपनी नॉलेज में एड कर लें कौन सा लो प्रेशर ठीक है फिर लास्ट में मैं आपसे चीजें पूछूंगा तो ये बेटा पिछले टर्म का आपको रिवीजन करा दिया तो अब तक सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं बहुत अच्छे से आज का लेक्चर अटेंड करना है पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए जो स्टूडेंट अभी जुड़े उनको बोल दूं पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं जो डेरिवेशन होगा वो आप साथ साथ मेरे साथ करेंगे ये समझ लीजिए क्योंकि तो जीरो ऑर्डर के डेरिवेशन के समय कुछ बच्चे आराम से सिर्फ सुन रहे थे सुनने से डेरिवेशन नहीं आता और यदि आप अचीवर में होते तो मैं एक बार आपको बोलता भी कि ठीक है आप डेरीवेशन मत समझ ली लेकिन ट्वेल्थ में बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछ लिया जाता है तो इसलिए आप लोग पेन और पेपर लेकर अब तैयार रहे ये चीज खत्म हुई उससे अब देखो बेटा क्या होता है बड़ा एक जरूरी चीज जरा मैंने पढ़ाया फर्स्ट ऑर्डर अब कुछ बच्चे आ जाते हैं कि सर हमें कहीं कहीं तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ मिलता है अब मैं आगे डेरिवेशन में वे पढ़ूं तो एक छोटी सी बात यहीं पे कवर कर लू सूडो फर्स्ट ऑर्डर अब सूडो का वर्ड मीनिंग समझू मतलब फॉल्स असेसमेंट सूडो का मतलब फॉल्स असेसमेंट मतलब हम सोचेंगे कि ऑर्डर ये आनी चाहिए लेकिन ऑर्डर कुछ और आएगी मतलब हम सोचेंगे ऑर्डर टू आनी चाहिए लेकिन ऑर्डर वन आएगी हम सोचेंगे ऑर्डर थ्री आनी चाहिए ऑर्डर टू आएगी तो उस केस में हम बोल देते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन और यदि हम सोचें टू और ऑर्डर आ जाए वन हम सोचे ऑर्डर आना चाहिए थ्री ऑर्डर आ जाए वन तो उसको बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर

ध्यान से सुनना मैंने इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर के बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर को लिया है क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है सर तो अब जरा सुनना हाइड्रोलिसेज ऑफ एस्टर अभी आपने एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑर्डर के देखा था और यदि सूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो हाइड्रोलिस ऑफ एस्टर आ गया यही फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल में था तो जरा समझते हैं क्या होता है जो रेट होती है बेटा जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो जैसा हम बार बार आपसे कहेंगे जो रेट लॉ है या रे ऑर्डर है हम एक्सपेरिमेंट से लिखते हैं तो रेट इक्व के सी एस थ्री ओ सी टू एच फाइव इन टू एच टू ये आना चाहिए ठीक है अब आप वर्ड यहाँ पे क्या है हाइड्रोलिस ध्यान से सुनिएगा हर बच्चे से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ध्यान से सुनना अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जिनको ये नहीं समझाया जाता है वो बस रट लेते हैं कि हाइड्रोलिसिज ऑफ एस्टर बिलोंग्स टू दैटेगरी ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इसको रटे तो प्लीज एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा हाइड्रोलिस मीडियम हाइड्रोलिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम तो एस्टर की हमने हाइड्रोलिसिस करी एस्टिक एसिड acid बना और यहाँ पर C2H5OH बना जब हमने सोचा तो रेट ये एक्सप्रेशन आना चाहिए अब बेटा भले ऑर्गेनिक हुई ना हुई लेकिन इतनी उम्मीद से से मतलब होगा लार्ज अमाउंट अब आप बताइए हमने थोड़ा सा वाटर वहां पर खर्च कर दिया मतलब जिस तरीके से कोई डैम है बेटा रिवर है आप चंबल रिवर के किनारे खड़े थे या गंगा रिवर के किनारे खड़े थे और आपने बताओ बेटा उससे दो बाल्टी पानी निकाल लिया आपने उससे दो बाल्टी पानी निकाल लिया यदि मैं अलग से देखूं तो यदि टेन लीटर की बकेट है तो आपने ट्वेंटी लीटर पानी निकाल लिया तो ट्वेंटी लीटर पानी तो ठीक ठाक होता है लेकिन क्या बताओ बेटा उससे जो गंगा रिवर है उसका वाटर लेवल आधा हो जाए। चंबल रिवर खाली हो जाएगी तीन बाल्टी चार बाल्टी यदि हम पानी निकाल लें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा बताइएगा तो आप कहेंगे सर कैसा आप मजाक कर रहे हैं आप उससे दस बाल्टी भी निकाल लेंगे तो उसके वाटर लेवल पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है यदि आपको ये चीज समझ में आ गई कि एक बड़े रिवर से हमने दस बाल्टी पानी जिसको हम अलग से देखें तो हंड्रेड लीटर है 10 लीटर की बकेट है तो हंड्रेड लीटर पानी निकाल लिया अलग से भी सोचे लेकिन उसके वाटर लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा वही चीज बेटा सूडो ऑर्डर पे आपको समझाने जा रहा हूं तो सूडो ऑर्डर में वाटर इज इन एक्सेस वाटर किसमें है एक्सेस तो वाटर इज इन एक्सेस देन इट्स कंसेंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट किस में होगा हाइड्रोलिस में तो क्या सर वाट हाइड्रोलिसिस लिखा है तो उसका मतलब वाटर एक्सेस में बिल्कुल अब आप बताओ यदि वाटर एक्सेस में है तो थोड़ा बहुत वाटर यदि खर्च हो भी गया तो उसके कंसंट्रेशन पर कोई एप्रिसिएबल चेंज नहीं होगा तो हम उसके कंसंट्रेशन को क्या मान सकते हैं कांस्टेंट तो एच टू का कंसंट्रेशन किस तरीके से बिहेव किया जाएगा कांस्टेंट की तरह अब आप बताओ जरा यहां पे मैं पूछू आपसे ये क्या है रेट कॉन्स्टेंट ये हो गया रेट कांस्टेंट और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया ठीक है अब बताओ बेटा यदि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया और ये रेट कांस्टेंट है तो हमने के इनटू जो एच टू वो था इसकी वैल्यू मैथ से सोचो बताओ बेटा कांस्टेंट हो जाएगी और यदि कांस्टेंट हो जाएगी तो हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया केडेस अब देखें यहां केडेस तो यहां से जो रेट बना तो वो रेट यहां पर बना के रेट इक्वेड सी एस थ्री एस सी टू एच फाइव और के डायस को क्या नाम दिया सूडो ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट क्या नाम दिया सूडो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट बोल दो या सूडो ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोल दो या सूडो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट बोल दो तो जो रेट अब जरा देखिए जो रेट एक्सप्रेशन में वाटर भी था और के भी था बहुत सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करूंगा इसलिए बहुत ध्यान से सुनना बात वाटर एक्सेस में था तभी ये बात मैं बोल पा रहा हूं मैं तीन केसेस अभी आपको बताऊंगा तो यहां पर यदि वाटर एक्सेस में नहीं होता तो ऑर्डर टू होता तो यदि मैं आपसे कहूं वन मोल ध्यान से सुनना बेटा वन मोल एस्टर की रिएक्शन वन मोल एग्जैक्टली वन मोल वाटर से कराई गई वन मोल एस्टर की रिएक्शन एग्जैक्टली वन मोल वाटर से कराई गई तो फिर उस केस में ये नहीं होगा होना क्या चाहिए वाटर एक्सेस में होना चाहिए मतलब यदि हंड्रेड मोल वाटर के हैं तो वन मोल एस्टर का होना चाहिए तो उस केस में वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बिल्कुल करेगा लेकिन उसका कंसंट्रेशन इतना कम चेंज होगा कि हम उसको क्या क्या सकते हैं कांस्टेंट 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 तो के क्या था रेट वाटर का मतलब जो रिएक्शन यदि हाइड्रोलिस वर्ड नहीं लिखा होता यदि हाइड्रोलिस वर्ड नहीं लिखा होता मैं रिपीट करूंगा दो तीन चीजें हाइड्रोलिस वर्ड नहीं लिखा होता ये लिखा होता वन मोल एस्टर वन मोल वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो इसकी ऑर्डर टू होती लेकिन यदि बोल दिया तो वाटर हो गया एक्सेस में उस केस में क्या हो गया सूडो ऑर्डर तो बेटा आप जल्दी से जहां अपना लिख रहे हो वहां एक बात जरूर लिख लेना कि सूडो ऑर्डर जो रिएक्शंस होती हैं क्या होती हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनमें दो रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में होना चाहिए रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस सूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दो रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में होना चाहिए अब अगली डाउट सुनो कि सर मैंने वाटर के टेन मोल और एस्टर के एठ मोल ले लिए वाटर के टेन मोल और एस्टर के एट मोल ले लिए तो क्या उस केस में सूडो ऑर्डर होगा नहीं क्योंकि आप बताओ वन मोल एस्टर के लिए वन मोल वाटर खर्च होगा तो एट मोल के लिए एट मोल वाटर खर्च होगा तो बचेगा कितना टू मोल तो काफी वाटर खर्च हो गया कि नहीं हो गया इसका मतलब यदि हमारे घर में पानी की टंकी लगी हुई है अब एग्जाम्पल समझना आपके घर में पानी की टंकी लगी हुई है और वही टेन बकेट वाटर आपने निकाल लिया घर में पानी की टंकी लगी हुई है और टेन बकेट जो गंगा रिवर से चंबल रिवर से आपने निकाला था उतना ही पानी आपने घर की टंकी से निकाल लिया तो भाई घर की जो पानी की टंकी है वो तो खाली होगी होगी तो वहां इग्नोर नहीं कर सकते तो फाइनल समरी सुने जल्दी से फाइनल समरी ये कि सूडो ऑर्डर के केस में यदि दोनों रिएक्टेंट बहुत लार्ज अमाउंट में हैं यदि दोनों रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में हैं तो दोनों खर्च होंगे उस केस में किसी का भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं माना जा सकता इट मीन्स यदि दोनों लार्ज अमाउंट में हैं तब भी सूडो ऑर्डर नहीं होगा दोनों स्मॉल अमाउंट में है तब भी नहीं होगा सूडो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट तो फाइनल कमेंट सूडो ऑर्डर का सिर्फ तब लगेगा जब दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हो ऐसा नहीं कि एट मोल टेन मोल यदि इसके टू हैं एस्टर के तो उसके कम से कम वन फिफ्टी होने चाहिए मतलब खर्च हो भी जाए तब भी उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा तो फर्स्ट फर्स्ट के लिए सुन लीजिए। फाइनली का मतलब ये है कि आप ऑर्डर सोच रहे थे टू आप ऑर्डर सोच रहे थे थ्री लेकिन कोई रिएक्टेंट एक्सेस में था उस वजह से ऑर्डर रिड्यूस होकर कितना हो गया वन तो उसको बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर सपोज ऑर्डर वन नहीं आता पहले ऑर्डर थ्री था बाद में ऑर्डर हो गया टू एक्सेस की वजह से तब भी उसको बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन बस उसको फर्स्ट नहीं बोलेंगे क्या तब क्या तब बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन जनरल कॉन्सेप्ट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर कब बोलेंगे जब ऑर्डर कितना हो जाए वन ठीक है अब एक एग्जाम्पल देख लो तो ये डू नॉट फॉरगेट लिख दिया रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस कैन नॉट एफेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेस का मतलब समझ रहे ना लार्ज अमाउंट हाइड्रोलिसिस बोल दिया गया तो वो लार्ज अमाउंट में होगा हो ही होगा ठीक अब एक question के को एक जर्नल बात ली क्योंकि तो मैंने कहा बेटा आपने है, कुछ बच्चे क्या करेंगे तो कहीं पे भी सूडो ऑर्डर लग सकता है बस दो रिएक्टेंट में कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में होना चाहिए और एटलीस्ट दो रिएक्टेंट होने जरूरी है सिंगल रिएक्टेंट से काम नहीं बनेगा अब जरा देखो अब आपके सामने क्वेश्चन है मैं आपको टाइम दूंगा फिर इसका आंसर आपसे पूछूंगा रेट लॉ आर एवर टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेकन इन एक्सेस अब आप सोचो बिल्कुल इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाना यहाँ पे वाटर एक्सेस में था तो वाटर और के को मिलाकर एक नया कॉन्स्टेंट क्या माना था के डेस तो बिल्कुल इसी तरीके से अब आप लोग सोचिए और इसका आंसर फिर मैं आपसे पूछता हूं बहुत बढ़िया बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आना चालू हो गया श्रुति पूजा दिव्या वैभव सौम्य ठीक है बहुत बढ़िया बेटा टू आंसर आने लगा जो भी अमन राठौर रेज हैंड कर रहे हैं हैंड रेज तो नीचे ही रखे मैं किसी को अनम्यूट बेटा यहाँ नहीं करता हूं क्लास डिस्टर्ब होती चलती चलिए ठीक है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑर्डर टू आ गया बिल्कुल सही है बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात ऑर्डर टू आ गया तो अब जरा समझते हैं आर इक्वस्ट टू के ए इंटू बी की पावर टू ये गिवन है यदि मैं पूछूं आपसे एट नॉर्मल कंडीशन मतलब दोनों नॉर्मल होते मतलब कोई बहुत एक्सेस में नहीं होता कोई बहुत कम नहीं होता दोनों नॉर्मल कंडीशन यदि मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो तुरंत आप कहेंगे सर ए के रिस्पेक्ट में कितना है वन और बी के रिस्पेक्ट में कितना है टू तो ऑर्डर कितना हो जाएगा थ्री नॉर्मल कंडीशन अब हमने क्या ले लिया इफ ए इज टेकन इन एक्सेस तो बताओ आफ्टर रिएक्शन रिएक्शन हो गई कंसंट्रेशन ऑफ ए एलमोस्ट क्या है कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट तो अब क्या होगा के इंटू एड एस की जगह एक नया कांस्टेंट क्या मान लिया केडे तो आर इक्वल टू केड एस बी की पावर टू बस इतना ध्यान रखना क्लियर कर दू ये जो के है ये रियल रेट कांस्टेंट होता है और जो केडेस है वो सूडो ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट होता है भाई के डैश के अंदर के छुपा हुआ है ना और एक चीज आपको बता दूं यदि आपको कभी जरूरत हो आपको कभी वाटर का कंसंट्रेशन ना दिया हो तो लिक्विड सोलूशन चैप्टर में बताऊंगा वैसे तो आप इलेवेन से जानते हो यदि वाटर का कंसंट्रेशन कभी नहीं दिया हो तो वाटर का कंसंट्रेशन आपको फिफ्टी लेना होता है ये सूड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट नहीं थी हाइड्रोलिस है तो चलिए क्वेश्चन वापस आ गया तो एक बार रिपीट कर रहा हूं के क्या है रियल रेट कॉन्स्टेंट के क्या है रियल रेट कॉन्स्टेंट के क्या के डैस क्या है सूडो ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट अब इसको हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन तो बोल सकते हैं इस कंडीशन पे लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑर्डर कितना आ रहा है टू तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अंडर दिस कंडीशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अंडर दिस कंडीशन अंडर दिस

वहां पे भी यही सूडो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगेगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर ठीक है अब सभी लोग पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए डेरिवेशन कराने जा रहा हूं तो यहां तक ये पूरी चीजें हुई तो मैं अगली चीज पर आगे बढ़ू तो जरा एक बार सब लोग बता दीजिए सूडो ऑर्डर क्लियर है यस सर लिख दीजिए वाटर वाली बात ध्यान रखना जल्दी से यस सर लिख दीजिए मैं आगे बढ़ू जल्दी से चैट में यस सर लिख दीजिए बिल्कुल बेटा बढ़िया बिल्कुल बढ़िया ठीक है चलिए तो जिन बच्चों तक वॉइस वगैरह नहीं पहुंचती है तो उन कई बार मैं उन स्टूडेंट्स को बोल चुका हूं कि वॉइस या वीडियो ना पहुंचे तो प्लीज वो अपना इंटरनेट कनेक्शन जरूर चेक करें हमारे एंड पे दिक्कत होगी तो हमारी टेक्निकल टीम बता देती उस चीज को और हमें पता चल जाता है ठीक है अब आ जाते हैं स्टडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पेन पेपर निकाल लीजिए सभी लोग बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन ये आ सकता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक होता है सिंपल रेट इक्वेशन जो ऊपर आप आर लिखते हैं एक सर इंटीग्रेटेड का क्या फायदा है रेट इक्वेशन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फायदा है कि आप किसी भी टाइम टी पर आप रेट वहां पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं चलिए डेरिवेशन शुरुआत कर रहे हैं ए कन्वर्टेड इनटू पी प्रोडक्ट एट टाइम t 0 अब आप देखना शुरू की दो लाइनें बिल्कुल जीरो ऑर्डर जैसी लगेंगी तो बिल्कुल साथ-साथ लिखते चलिए अपने पेन पेपर लेके t 0 मतलब इनिशियल कंडीशन तो यहां a इसमें कन्वर्ट हुआ p में a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a के बराबर मान लिया प्रोडक्ट शुरू में क्या होगा जीरो लिखते चलना साथ-साथ बिल्कुल साथ, तभी समझ में आएगा क्योंकि ओरल आप सुनते हैं तो फिर कहीं पर आपको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता है फिर आप इतना आसान सी चीज पिछले टर्न पे पूछते सर आई क्या है तो मैंने बोला इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लिखा भी हुआ था अब बेसिक मैथ इसीलिए तो आप पढ़ते बेटा कि इंटीग्रेशन वगैरह नॉर्मल हम लोग तो कोई बहुत हाईफाई भी वो नहीं कराते इंटीग्रेशन अब एट जीरो पे बात करें तो ए नॉट इक्व आफ्टर टाइम टी रिएक्टेंट खर्च होगा हमने मान लिया एक्स खर्च हो गया तो ये हो गया ए टी ए माइनस एक्स ये कितना बना एक्स प्रोडक्ट कितना बना x ठीक है अब यदि प्रोडक्ट यहाँ पर x बना तो अब हमने रेट लॉ से लिखा अब रेट लॉ में हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि, कि किस ऑर्डर के रिएक्शन है बोलो बेटा फर्स्ट ऑर्डर की तो रेट लॉ क्या कहता है r k a की पावर 1 r k a की पावर वन k क्या है रेट कांस्टेंट अच्छा बताओ बिल्कुल फर्स्ट टर्म पे रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन से बताओ r -d dt

तो रेट लॉ से बेटा बताओ आर बराबर के ए की पावर वन आर बराबर माइनस डी अपॉन डी टी ये ठीक यहां तक बिल्कुल नोट करते चलिए अब हमने ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों को क्या कर दिया इक्वल जब दोनों को इक्वल कर दिया तो आर इक्व माइनस डी अपॉन डी टीव टू के इंटू ए की पावर वन जरा बताओ जीरो ऑर्डर के केस में ए की पावर क्या लिखा था जीरो और क्योंकि यहां पर क्या माना है फर्स्ट ऑर्डर ए की पावर क्या गया वन तो ये भी आर ये भी आर दोनों को इक्वल कर दिया तो माइनस डी ए अपॉन डी टीव टू के ए ये आ गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लेकिन बेटा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन शायद ही कहीं पर पूछा जाए जाये। पूछा जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएगा डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर और।, और आया भी है जीरो ऑर्डर का तो जनरली नहीं आता लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का आता है इसीलिए आपसे आज साथ साथ करवा रहा हूं अब देखो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया ये वाला ए डिनोमिनेटर में ले आए और डी टी इधर ले गए तो यहां तक फर्स्ट एक्सप्रेशन तक सारे स्टूडेंट पहुंच जाए फिर मैं आगे उनको लिखने को बोलूंगा अब पिछले टर्न पर हम लोगों ने किया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या था आई आज मैं कर रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन जिससे कि मेरे स्टूडेंट को दोनों तरीके आ जाए

तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन एक्स तो जरा बताओ वन अपॉन ए जरा देखिए वन अपॉन ए डी ए तो जिस तरीके से वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स था तो उसी तरह से हो जाएगा और लोअर लिमिट क्या है ए नॉट और अपर लिमिट क्या ए टी बिल्कुल साथ साथ आपको करना है माइनस का साइन बाहर इस बार डेफिनेट इंटीग्रेशन किया है और डी टी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी

एल एन एटी माइनस एल एन एन ऑन और ध्यान रखना रहेगा और यहां पर लिमिट क्या अप्लाई करेंगे क्योंकि लोअर लिमिट तो क्या है जीरो तो ये बन गया। हर एक छोटी छोटी बात आप देखिए मैंने x, dx तक बता दिया, LN x होता है। अब जल्दी से माइनस का साइन अंदर ले जाइए <coughs> बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अब माइनस ले गए बाहर तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और जनरली हमारा कन्वेंशन है कि प्लस वाली चीजें पहले लिखते हैं तो ये हो गया गया और पर माइनस क्या आ गया? टी. के टी. अब जरा लॉग की प्रॉपर्टी याद करो कृष्ण गोपाल गोयल जी हैंड रेस करने से कोई फायदा नहीं मैं अनम्यूट यहाँ नहीं, नहीं करने जा रहा हूँ मैं जब इस चीज को खत्म करूंगा तब मैं चैट बॉक्स ऑन कर दूंगा तो ये मैं पहले टर्न से आपको बोल रहा हूँ कि हैंड रेस करना बंद कर दीजिए जब मैं चैट ऑन करूं अपनी डाउट लिख दीजिए अदरवाइज उस चीज का स्क्रीन शॉट खींच के एल एन प्लस पे डाउट पे भेज दीजिए क्योंकि 200 250 बच्चों की क्लास में यदि अनम्यूट करना स्टार्ट कर दिया तो क्लास आगे बढ़ेगी अंकिता भट्ट जी आपको अलग से बोलना पड़ेगा क्या अब यहाँ पर यदि हम लॉग एम माइनस लॉग एन करते हैं तो लॉग एम माइनस लॉग एन यदि आप करेंगे तो जरा बताओ लॉग एम माइनस लॉग एन तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन

लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन से करें तो मच बेटर है उसमें आई वगैरह का कोई झंझट नहीं होता तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सभी लोग बिल्कुल अपनी कॉपी में यहां तक लिख लीजिए इनकी आगे जरूरत पड़ेगी तो ये चीज हुआ और मैंने अभी चैट ऑन कर दिया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये कर दिया वाटर का कंसंट्रेशन 55.5 ही हम लोग मान के चलते हैं जब तक तो वाटर का कंसंट्रेशन ना दिया हो तो यहां तक पूरा समझा दिया है जब तक बाकी स्टूडेंट कुछ लिख रहे हैं मैं पूरा क्लियर कट बता दे रहा हूँ रेट लॉस आर बराबर के ए की पावर वन और आर बराबर माइनस डी अपॉन डी टी सूडो ऑर्डर के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वाटर का रिएक्टेंट में होना जरूरी नहीं कोई भी दो रिएक्टेंट हो सकते हैं कोई भी दो रिएक्टेंट हो सकते हैं कोई भी दो रिएक्टेंट हो सकते हैं शुगर की हाइड्रोलिस आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वहां पे सुक्रोज का बताया जाए ठीक है कुछ स्टूडेंट से इतनी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा सिली क्वेश्चन पूछते हैं ये अब बिल्कुल शुरुआत वाला पूछ रहे हैं वो कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में ओरिजिन से कैसे पास हो गया मेरा विनम्र निवेदन है कि समय रहते अपनी मैथ सुधार लीजिए क्योंकि यदि शायद आप बायोलॉजी में 90 में से 88 एट कराए लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके खत्म हो जाएंगे कुछ यदि आपको इतनी बेसिक मैथ नहीं आती जो मैं जीरो से बताता हूँ वाई बराबर एमएस में इंटरसेप्ट जीरो है मतलब ऐसे सिली क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि ओरिजिन से कैसे पास हर चीज हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ फिर भी वो क्योंकि दिमाग साथ में चल रहा है गाना बगल में इधर उधर ध्यान भटक रहा है में चैट भी ऑन है तो कहां से समझ में आएगा इंटरसेप्ट से कैसे पास हो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कट बताता हूँ कि वाटर का कंसंट्रेशन 55.5 यदि नहीं दिया रहे जो दिया रहे वो ले लेंगे यदि नहीं दिया है तो 55.5 लेंगे यदि वाटर का कहीं जरूरत पड़ जाए आपको सपोज करो के आपसे पूछ लिया जाए के डैश दे दिया जाए आपको बताया था फिर ओरल बोल दिया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है जब आप ऑर्गेनिक में आगे पढ़ोगे वैसे भी आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो इतना तो आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए अब यहां पे इंटीग्रेशन किया था वन अपॉन एक्स किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम है वो कह रहा सर दोबारा समझा दीजिए तो अपने इंटरनेट को आप देखिए दोबारा तो वीडियो जब दोबारा आगे मिले तब तो उसको देखिएगा तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तक आप पहुंच गए और आप देखिए आर बराबर के ए की पावर वन ये रेट लॉ से लिखा था ठीक है और आर बराबर माइनस के डी ए अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये के डी टी कैसे लिख दिया उन महापुरुष से मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने ये पूछा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैं एक एक चीज यहां पर बताना चाह रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहां पे किया ए को डिनोमिनेटर में ले गया डी को इधर ले गया ठीक है और ये जो जितने भी डेरिवेशन है यहाँ पर चाहे जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर का ए का स्टाइकोमेट्रिक ऑफिशन कितना होना चाहिए वन और आप इनऑर्गेनिक में देखेंगे उसमें एनसीआरटी में देखेंगे तो सब स्टाइकोमेट्रिक वहां वन है यदि कुछ नया आए तो उसको करेंगे ठीक है चलिए चैट बॉक्स बंद कर दिया क्लियर है सारी चीजें मैं इतने बार एक एक चीज पे समय दे देता हूँ अब आते आगे अब थोड़ा सा ग्राफ समझेंगे क्योंकि मैंने कहा यदि न्यूमेरिकल नहीं आता तो ग्राफ आता अब यहां तक हम लोग पहुंच गए थे ये था इंटीग्रेटेड इसको फिर से ओपन कर रहा ग्राफ समझाने के लिए इसको फिर से ओपन कर रहा हूँ ग्राफ समझाने के लिए तो जरा देखेंगे आप एल एन ए नॉट अपॉन एटी को लॉग एम अपॉन एन करके ये आपको नहीं करना ये वाली जो चीज अब करने जा रहा हूँ ये आपको नहीं करना मतलब ये कहीं एग्जाम में ये आप रफ में करते चल चलना तो एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी लॉग एन एम अपॉन एन हमने यहाँ पे यूज कर दिया फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन इक्व टू के टी आप जरा देखो एल एन ए टी को इस तरफ ले जाए के टी को इस तरफ लाए तो के टी क्या हो जाएगा माइनस चलो खुद पेन पेपर लेके करो ये बात तो एल एन ए टी खुद करो तभी ये बातें समझ में आएंगी पेन पेपर चलो जल्दी से पेपर पे पेन चला के तुरंत करो इसको इस तरफ ले गए तो ये माइनस से प्लस हो गया और इसको इधर लाइए सर क्यों कर रहे हैं क्योंकि ग्राफ आया है एल एन एटी में टी काम आता है तो प्लीज यहां तक पहुंच जाएं। और और सभी ने पास किया है, तो उनसे उम्मीद करता हूं, y बराबर MX C उन्हें पता होगा तो ये वाई बराबर MX C. Y पर तुरंत बनाओ वाई एक्स और X बनाओ बेटा जल्दी से वाई एक्स पे लिखो एल एन एटी एक्स एक्स पे लिखो टी

एल एन ए नॉट के बराबर इसका मतलब इस बार इंटरसेप्ट जीरो नहीं है इक्वेशन लाइन है है लेकिन क्या है? निगेटिव तो एल एन एटी वर्सेज टी का ग्राफ बनाया तो तुरंत आंसर स्लोप क्या सर स्लोप याद रखना है बिल्कुल तो बेटा यदि आपसे कोई पूछता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एल एन एटी वर्सेज टी का ग्राफ कैसा होगा आपका आंसर होना चाहिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ ऑफ एल एन टी इज स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप ठीक ये ग्राफ आगे कट भी कर सकता है तो वो हमें जरूरत नहीं हमारा तो इतना ही ग्राफ काम है आप आगे एक्स्ट्रा पोलेट करेंगे कट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो ग्राफ की बात हो गई अब आ जाते हैं इक्वेशन टू पे वापस अब देखो बेटा आप जो पढ़ते हो लॉग लॉग टू पढ़ते 3, पढ़ते हो, हो, उन बेस में 10 होता है, तो मुझे इक्वेशन टू को टू पॉइंट थ्री जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो लॉग पढ़े हैं उनके बेस में टेन होता है तो एक अगला फॉर्मूला आ गया ये सब लिखते चलना है आज का काम में मैक्सिमम सात सात लिखोगे तो 2.303 log base 10 लॉग बेस टेन ए नॉट अपॉन इस फॉर्मूले पे स्टार लगा लो जिन पे स्टार लगवा रहा हूँ वही फार्मूले डायरेक्ट याद करने हैं ऊपर वाला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बस तैयार करना है सिर्फ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बाकी आपको ये जो स्टार लगाया ये फॉर्मूला याद करना है ग्राफ ध्यान रखना अब आप इसी में देखो बेटा यही जो अभी स्टार लगाया है यदि मैं बस के बदल जाएगा यहाँ पे टू पॉइंट थ्री जीरो नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री हो जाएगा तो ये बात जरूर अपने ग्राफ के बगल में साइड में लिख लेना यदि वाई एक्सिस में यदि वाई एक्सिस पर लॉग बेस टेन 80 लिखा होगा ये बात लिख लेना लॉग बेस टेन 80 लिखा होता अभी तो एलन बेस ही है और वर्सेस टी तो स्लोप माइनस के अपॉइंटू पॉइंट थ्री जीरो थ्री होगा तो स्लोप माइनस के अपॉइंट टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री होगा इस समय ग्राफ एलन ए नॉट है आप खुद देखो इक्वेशन टू और ये जो बाद वाली इक्वेशन है अंतर कितने का है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री का सर आपने 2.303 से मल्टीप्लाई क्यों किया लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि आप आगे जो सॉल्व करेंगे उसमें लॉग बेस 10 की ही वैल्यू याद करोगे ठीक तो ये देख लीजिए 2.303 अब टी को इधर ले जाऊं तो एक फॉर्मूला आ गया के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए तो इन दोनों फॉर्मुलों में जो भी आपको मन करे वो फॉर्मूला याद कर लेना इन दोनों में से जो भी मन करे ठीक है तो इस फॉर्मूले तक और ग्राफ तक जरा आप देखें चलिए अब आप सुनिए कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें बेटा परसेंट डिसोसिएशन होगा सिक्सटी परसेंट डिसोसिएट हो गया डिसोसिएट हो गया जीरो ऑर्डर का आपने पुरानी हैंड आउट जो घर पे दिया था का, देखा उसमें तो टाइम लगेगा तो बेटा यदि परसेंट वाले क्वेश्चन हो तो आपको एडवाइज है कि आप ये हंड्रेड मान लिया करना इनिशियल कंसेंट्रेशन चाहे वो जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो यदि परसेंट हंड्रेड मान लिया तो क्या होगा

तो ये कब करना है जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो अभी नोमेरिकल जब करोगे ना बेटा सब क्लियर हो जाएगा तो ये, ये देखिए यहां से एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव किया ए नाउट इनिशियल कंसेंट्रेशन स्मॉल ए के बराबर ए टी क्या ए माइनस एक्स एक्स खर्च होने वाला तो जहां जहां एटी है वहां क्या लिख सकते ए माइनस एक्स यदि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया है फिर रिपीट कर रहा हूं आपकी काम की लाइन अभी तक ना लिखी हो तो आपके पास लिखी होनी चाहिए यदि इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया है और परसेंटेज का क्वेश्चन है कितना परसेंट खर्च हो गया यदि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आप वहां हंड्रेड मान सकते हैं इनिशियल ठीक दूसरी बात बोलने चाह रहा हूं ये भी आप अपने का लिखेंगे पेन और पेपर लेकर जल्दी से दूसरी बात जरा ये फॉर्मूले देखो ए नॉट अपॉन एटी ये क्या है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम तो जरा देखो बेटा यहाँ पे रेशियो है ए नॉट अपॉन फर्स्ट ऑर्डर का फायदा सुनना जीरो ऑर्डर के लिए फायदा नहीं है फर्स्ट ऑर्डर का फायदा सुनना जीरो ऑर्डर के लिए फायदा नहीं है यदि किसी सब्सटेंस का मास दिया हो यदि किसी सब्सटेंस का मास दिया हो इनिशियल मास और बचा हुआ मास दिया हो तो उसको मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑर्डर में सर क्यों जरा देखो ये है ए नॉट ये है एटी ये दोनों का क्या है रेशियो ये दोनों का क्या है रेशियो तो जरा बताओ मास अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है मोल मास अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है मोल तो यदि आप उस मास को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में भी करोगे और डिनोमिनेटर में भी करोगे मोल में बदलने के लिए तो मोलिकुलर वेट से मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा कैंसिल तो ये बात लिख जरूर लेना यदि फर्स्ट ऑर्डर के केस में मास गिवेन है यदि फर्स्ट ऑर्डर के केस में रिएक्टेंट का इनिशियल मास गेवन है और रिमेनिंग मास गेवन है तो उनको मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। रिपीट कर रहा हूं ये line लिख लेना यदि के केस में में का initial mass, remaining mass given हो, तो उसको mole में convert करने की जरूरत नहीं है। है क्योंकि यहां पर क्या यदि आप मॉलिकुलर वेट से डिवाइड भी करोगे तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल बातें आपको बता दी अब ये बात मैं अब रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि रिपीट कर दिया था ठीक चलिए तो यहां तक पहुंच गए ठीक अब जरा फिर वही बात आते हैं जरूरी ग्राफ पर ग्राफ इसीलिए हम साथ साथ इस बार कवर कर रहे हैं। अब जरा बताइए ये इक्वेशन टू थी जरा देख लीजिए ठीक है इसका अब हम लोग लेंगे एंटी लॉग अब सारे स्टूडेंट फिर से इक्वेशन टू पे आ जाए क्योंकि मैंने कहा है जो जो बातें एग्जाम में पूछी गई मैं पढ़ाऊंगा जरूर और आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ एक एक बात इतने अच्छे से बार बार रिपीट करूंगा कि आपको समझ में आएगा बस शर्त यही है कि आपको बिल्कुल दिमाग लगा के वहां पे अच्छे से बैठना है जरा देखिए इक्वेशन 2 ln a0 et kt इसका क्या लिया एंटी लॉग क्या लिया एंटी लॉग अब एक बच्चे ने कहा सर एंटी लॉग लिए तो टाइम हो गया मुझे याद नहीं आ रहा तो मैंने नोट करके लिख भी दिया यदि ln x equals to y लिखा है कहीं पे ln x equals to y लिखा है ln का मतलब log base e यदि उसका एंटी लॉग लोगे तो x equals to e की पावर y तो किसी बच्चे से किसी बच्चे को एंटी लॉग लेना नहीं आता तो मैंने नीचे लिख दिया ये एंटी लॉग अब बताओ ये था पूरा x ये था पूरा y तो वेंटी लॉग लिया तो ए नॉट अपॉन ए टी ई की पावर kt, टी सर यदि बेस में 10 होता तो 10 की पावर kt जाता लेकिन बेस में क्या है e. ये इसलिए बता रहा हूं एडिशनल चीज क्योंकि आगे जो फॉर्मूला आएगा वो एग्जाम में पूछा गया है अब बताइए ए नॉट अपॉन ए टी ई की पावर kt, इसको इनवर्स कर दिया अब इसको रिवर्स किया तो ए ऊपर चला गया ए नीचे आ गया अब 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 बताओ बताओ e e e e की 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 होगा जब जब इसको करोगे करोगे तो तो e हो हो जाएगा जाएगा बेटा बेटा को क्या क्योंकि आपने कर दिया ठीक है मल्टीप्लाई किया जरा बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए नॉट इधर चला जाएगा ये मैं इसीलिए एरो बनाता हूँ क्योंकि कुछ जो सोते रहते हैं कि सर ये कैसे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा एक जरूरी फॉर्मूला आपके सामने आ गया जरूरी फॉर्मूला आ गया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में सीधे आया ए टी टीवस टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी एटीव टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना ए टी इक्व टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी एटी इक्व टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी मैं फिर से यहां लिखता हूं ए टी इक्व टू ए नॉट इन टू ई की पावर माइनस के टी ये इसलिए लिखा क्योंकि अब ग्राफ समझाने जा रहा हूं तो जरा बताओ जब टाइम जीरो होगा देखते चलो जब टाइम जीरो होगा, जब टाइम जीरो होगा जरा बताओ एक्सप्लेन कर रहा हूं जब टी बराबर यदि जीरो रख दू एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है टू पॉइंट सेवन तो टू पॉइंट सेवन एट की पावर जीरो क्या हो जाएगा वन तो ए टी किसके बराबर हो जाएगा ए नॉट तो जरा देखो यहाँ पे टीवस टू जीरो समय किसके बराबर ए नॉट और फिर जैसे जैसे टी बढ़ाओगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा कैसे डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली तो ए टीव टू ए नॉट तो ये ग्राफ बन गया बेटा एटी इक्व टू टी के ग्राफ का ये जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है इसको हम लोग बोलेंगे ए नॉट और फिर ये क्या होगा डिक्रीज तो जरा मैं यहां पे बनाता हूं जीरो ऑर्डर का ये अब कंपेयर कर रहा हूं अब आप कंपेयर करो साथ साथ दिमाग में जीरो ऑर्डर में भी तो तो पिछले टर्न में था 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 ये आया आया वर्सेस टी का ग्राफ आगे तो जाने पे कट किया था क्या सर ये कहीं जाके मिलेगा नहीं बेटा आप जरूरी लाइन सुनना लिख लेना कि क्या सर ये जाके ग्राफ कहीं कट करेगा नहीं तो क्या सर एटी की वैल्यू कभी एग्जैक्टली exactly जीरो नहीं बनेगी नहीं इसका मतलब कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट नहीं होती रिपीट कर रहा हूँ लाइन जरूरी लाइन कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हंड्रेड परसेंट कम्पलीट नहीं होती तो क्या सर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ कहीं कट करेगा एक्स एक्सिस को नहीं करेगा कहीं नहीं मिलेगा जाके ठीक है तो ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का कंपेरिजन कर दिया इक्वेशन को क्या नाम दिया विल हेलमाइज इक्वेशन क्या नाम देंगे विल हेलमाइज क्या सर विल हेलमाइज इक्वेशन याद कर ली बिल्कुल आप तो सीधे ये समझ लो जहां जहां स्टार लगा है वो याद करना है जहां जहां स्टार लगा है वो याद रखना है ठीक अब आगे बढ़ते हैं इंटरवल फॉर्मूला किस फॉर्मूला इंटरवल इसीलिए आज फॉर्मूले वगैरह सब तैयार करवा देंगे आपके के अगले टर्न पर जब ऊपर टी टी था ए वन अब इस वाले फॉर्मूले में रख दिया जरा देखो इस वाले फॉर्मूले स्टार लगा हुआ इस वाले फॉर्मूले में रख दिया अब आप बताओ K इंटू टी वन इक्व टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग बेस टेन ए नॉट अपॉन ए वन अब ये चालू कर दीजिए आप भी लिखना साथ साथ किसी रिएक्शन के लिए टाइम टी वन पर कंसंट्रेशन था ए वन रख दिया अब वही सेम रिएक्शन वर्ड ध्यान सुनना सेम रिएक्शन रिएक्शन नहीं बदली है क्योंकि रिएक्शन बदलते ही फिर रेट कांस्टेंट बदल सकता है रिएक्शन वही है टेंपरेचर वही है और इस चैप्टर में जब तक टेम्परेचर ना बोला जाए तो टेम्परेचर तो वही मान के चलते हैं सेम रिएक्शन अब क्या है टाइम हो गया टी टू अब बताओ बेटा टाइम बदलेगा तो रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन भी बदलेगा तो ये हो गया ए टू फिर से रख दिया उसी फॉर्मूले में ये देखो स्टार वाले फॉर्मूले में ठीक तो के इन टू टी टू इक्व टू टू पॉइंट थ्री जीरो नॉट अपॉन ए टू दो इक्वेशन सामने आपके साथ साथ करना बेटा ये काम क्योंकि बस फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दोबारा ये नहीं करना फिर तो फॉर्मूला आएगा सीधे एक बार करो साथ अब इक्वेशन टू को जरा इक्वेशन वन सब्रैक्ट करो सिर्फ स्क्रीन पे नहीं देखना है साथ साथ करना है जो मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन टू को इक्वेशन वन के साथ करिए इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन क्या सर रिएक्शन सेम है बिल्कुल रिएक्शन अभी तक नहीं बदली गई इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन किया तो जरा बताइए ये के टी टू माइनस के टी वन इससे क्या कॉमन निकल आया टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री Log 10, A0 A2, log 10, A0 A2. आप इनकी वर्थ तब समझेंगे जब आप देखेंगे करवाया आप, कि समझ में आई चीज आपको चलो 2.303 कॉमन लेने के बाद जरा इधर सोचो ये पूरे को मानो एम ये पूरा का पूरा माना आपने एम ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन माना एन अब लॉग एम माइनस लॉग एन लगाओ लॉग एम माइनस लॉग एन लगाओ ये पूरा मानो एम ये पूरा मानो एन तो लॉग एम अपॉन एन होगा जरा देखिए ये मतलब बिल्कुल जो छोटी बारीक चीज है ना मतलब आप सिर्फ सुनने के लिए तैयार हो ध्यान से बैठो तो वो तक की आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिएगा पीपीटी तो आपको समझ में आया क्या मेहनत करी सर तो यहाँ पे लॉग एम अपॉन एन रेशियो लिया देखो ये रेशियो आ गया ये पूरा एम आ गया ये पूरा एन आ गया अब ए नॉट से ए नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल ए वन ऊपर चला जाएगा ए टू नीचे आ जाएगा ये आ गया फॉर्मूला और इधर के कॉमन हो गया इधर देखो बेटा क्या कॉमन है के ये देखो के कॉमन है के कॉमन निकाल लिया खुद करते जाओ जल्दी पेन से तो के इक्वल टू टू पॉइंट माइनस टी अपॉन लॉग बेस टेन ए वन अपॉन ए टू ये इंटरवल फॉर्मूला आ गया जितने फॉर्मूलों में स्टार लगवा रहा रहाँ आज एक पेज पे इनको एक जगह लिख लेना अपनी स्टडी टेबल के सामने आगे चिपका लेना इनको याद करना है कल तभी कल का लेक्चर तभी इंजॉय करोगे सर ये इंटरवल फॉर्मूला कब यूज करना है जब आप फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन पढ़ो दो टाइम दिए टी वन टी टू जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट ऑर्डर का किसका फर्स्ट ऑर्डर उसमें दो टाइम दिए टी वन टी टू और सेम रिएक्शन के कंसेंट्रेशन ए वन ए टू उन टाइम का या रेशियो दिया हो क्योंकि हमें ए वन अपॉन ए टू चाहिए तो अलग अलग दे दो या रेशियो दे दो देन यूज अब इंटरवल फॉर्मूला बेटा ये तक चीज भी लिख देता हूं तो ये है नोट ठीक चलिए अब आते हैं हाफ लाइफ पीरियड अब यहां से चीजें बहुत आसान है हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर वाली बात जब हाफ हो जाए जब कंसनट्रेशन क्या हो जाए हाफ और वो बात जरूर जीरो ऑर्डर में याद कर लेना कि टी थ्री बाई फोर टी वन बाई टू टी सेवन बाई एट जो जीरो ऑर्डर समय ये सब काम आएगा कल हाफ लाइफ में वो टाइम जब हम आधा खर्च कर देते हैं एक्स क्या हो गया ए बाई टू या आधा बचे अब आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो सपोज मैं यहां लिख दू वही सबसे पहला वाला फॉर्मूला के टीवल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी अब इस पे आपने रख दिया के इन टू टी हाफ एल एन ए की जगह ए नॉट की जगह स्मॉल ए और कितना बचा ए बाई टू जब ये किया तो इसके बाद यह आ जाएगा अब बताओ ए से क्या हो जाएगा कैंसिल तो टी हाफ इक्वन टू, टू अपॉन के और एल एन टू को हमने इसमें बदल लिया 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया आप चाहे तो सीधे उसमें रख सकते थे लॉक टू की वैल्यू कितनी है पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो रख दिया तो टी हाफ इक्व टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के अब जरा याद करो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ जरा याद करो टी हाफ इक्वन टू, टू के वहां पर हाफ लाइफ बताओ बेटा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कि नहीं थी वहां पर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी जरा यहां देखो फर्स्ट ऑर्डर में जरा फर्स्ट ऑर्डर में देखो क्या हाफ लाइफ में ए दिख रहा है नहीं इसका मतलब एक जरूरी लाइन निकल कर आई कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इनडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा तो बेटा देख लो स्टार लगा हुआ है याद करना ये फॉर्मूला टी हाफ इक्वल टू टूंट थ्री जीरो टू ये याद रखोगे ज्यादा अच्छा है अपॉन के पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के याद रख सकते हो लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ टी हाफ हाफ याद क्या करोगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग टू अपॉन के ये याद करोगे ठीक क्या कंसेंट्रेशन डिपेंड करता है नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर में ये आपको फायदा क्यों मिला इंडिपेंडेंट होने का फायदा क्यों मिला तो जरा जवाब सुन लीजिए इंडिपेंडेंट होने का फायदा इसलिए A A तो A A क्या हो गया कैंसिल ठीक एक अगली बात जो आपको नहीं भूलनी है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर में जो कंप्लीशन टाइम होता है मतलब किसी डेफिनेट फ्रैक्शन का

इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर में कोई भी फ्रैक्शन हो हाफ लाइफ हो थ्री फोर्थ लाइफ हो वन फोर्थ लाइफ हो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा ये मैंने इसलिए डू नॉट फॉरगेट लिख दिया ये मैंने लॉग लिख दिए लॉग टू लॉग थ्री लॉग फोर ये आपको अपना मैंने लिख दिया है याद करके कल आना ये लॉग की प्रॉपर्टी लिख दी लॉग एम की पावर एन एंड लॉग एम अब देखो जो आपने सीखा इसकी समरी बना रहे हैं और कुछ शॉर्टकट यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये पेज ध्यान से देख लीजिएगा कल के लेक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मोलर मोलर था, 50 गया, हाफ लाइफ, लेकिन ये पूरी बात जो डिस्कशन चल रही है मैं यहाँ हाईलाइट कर दूसरे से ट्वेंटी क्या होगी सेम क्योंकि हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा फिर अगला ट्वेल्व बचा ट्वेल्व से कितना बचा सिक्स अब फाइव बताओ यहां से यहाँ क्या, क्या कहलाएगा

इसी चीज को देखकर एक ट्रिक बना दी। 80 equals to A0 upon 2 की की पावर N. N क्या है half -lives. तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? Total given time. अब जरा देखिए मैं आपसे पूछूं में कितनी half -life लगी? आप कहेंगे एक, दो, मैं कहूं में कितनी half -life लगी? आप बोलोगे दो तो एन क्या है टोटल क्या क्या होता है है है, भी भी, हो सकता है. Moles, concentration, कुछ भी. Generally, ये जो बेटा आप तब यूज करोगे जनरली ये बेटा आप तब यूज करोगे जब एन की वैल्यू क्या हो ये किसके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर में बार बार ये लिखता रहूंगा कई हैं इतने बार लिखने के बावजूद भी जीरो ऑर्डर में लगाएंगे मुझे तो पता है ना ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ जरा देखिए तीन हाफ लाइफ लगी यहाँ दो हाफ लाइफ लगी यहां पर कितनी लग जाएंगी चार तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद हम लोग होमवर्क आपको बता देंगे सुन लीजिएगा होमवर्क में मिलेगा हाफ लाइफ रेडियो आइसोटोप ट्वेल्व पॉइंट थ्री ईयर अब वो कह रहा है कि बताओ इस आइसोटोप कितना बचेगा कितना बचेगा फोर्टी नाइन पॉइंट टू ईयर के बाद थ्री ग्राम फाइंड इनिशियल मास ऑफ आई सोटू हाफ लाइफ गिवेन है इनिशियल तो इसका मतलब रेडियो एक्टिव डिके होने की वजह से रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स अब हम लोग स्मॉल एन निकालेंगे जरा बताओ बेटा स्मॉल एन स्मॉल एन क्या है टोटल कर -कर सकते हो हमने ये जो ऐसे जो जो ऐसे ऐसे इस तरीके से आप ऐसे भी निकाल सकते हो लेकिन इसमें तो टाइम बर्बाद होगा ना ये ट्रिक लगाते हैं तो यहाँ गए एन टोटल टाइम कितना है ट्वेल्व पॉइंट थ्री जरा देखो टोटल अपॉन हाफ लाइफ तो यहां से देखिए तो ये आ जाएगा फोर तो आप कहोगे सर इसके अंदर चार हाफ लाइफ मतलब तो ए होता तो ए से ए बाई टू फिर ए बाई टू से ए बाई फोर ए बाई फोर से ए एक हाफ लाइफ दो हाफ लाइफ तो ये आधे होते चले जाते ठीक तो ये यह यहाँ पे बात हुई अब आप एन की वैल्यू तक मैंने बता दिया अब आप इसमें यूज करो तो एटी इक्वल टू ए नॉट टू की पावर एन एन की वैल्यू कितनी है फोर ए टी की वैल्यू थ्री ग्राम ए नॉट पूछा था टू की पावर फोर तो टू की पावर टू फोर फिर फोर को मल्टीप्लाई किया टू एट फिर टू मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन तो ये बन गया सिक्सटीन तो ए नॉट इक्वल्स टू थ्री इंटू सिक्सटीन तो आप कहेंगे शुरू में कितना था फोर्टी एट ग्राम ठीक है तो ये हम लोगों ने ट्रिक कैसे बनाई ऊपर वाली टेबल को देख के शॉर्टकट कंक्लूजन तो ये जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूँ ये सब बिल्कुल अच्छे से पढ़ने क्योंकि कल नुमेरिकल ही नुमेरकल होंगे कल नुमेरिकल ही नुमेरकल होंगे तो गलती से कल की क्लास छोड़ मत दीजिएगा क्योंकि वो मैक्सिमम टेस्ट में आपको देखेंगे थर्टीन के टेस्ट को ठीक है अब होमवर्क आप लिख लीजिए एक्सरसाइज वन का होमवर्क है एक्सरसाइज टू का एक्सरसाइज बिल्कुल प्रॉपर होमवर्क वगैरह सब दिया है। होमवर्क नोट कर लीजिए ठीक है तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा आगे चीजें हम लोग उसको फिर डिस्कस करेंगे कल कर।